हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट, जिसे लगभग 2 से 3 नामों से जाना जाता है। ये है दशाश्वमेध घाट, लेकिन इसे राजेंद्र प्रसाद घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ हम चलेंगे ऊपर से आज, क्योंकि नीचे का नज़ारा आप तो काफ़ी देख चुके हैं। ये मान मंदिर घाट है, और ये चबूतरा। यहाँ पे भव्य गंगा आरती स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टी स्क्रीनिंग पे दिखाई जा रही है। तो दशाश्वमेध घाट है ये। यहाँ पे रात के समय सोते भी हैं सभी लोग। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो कितना झक्कास नज़ारा है फ्रेंड्स, ये देखिए। बहुत से लोग नाव पे बैठे हुए हैं, आरती दीपक जला रहे हैं यहाँ पे। हमेशा लोग आते हैं यहाँ पे देखने। सभी लोगों की चाह होती है कि यहाँ पे एक ही समय आए, वो दर्शन कर सकें। गंगा आरती का वीडियो मैंने फुल डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। तो थोड़ी सी की झलक। तो यहाँ पे काफी भीड़ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो काफी भीड़ लगी हुई यहाँ पे। और दुल्हन की तरह दशाश्वमेध घाट सज चुका है। Oh, my God.
ये देखिए दशाश्वमेध भवन का नज़ारा, कितना भव्य और खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल की तरह। इस और हमारे बनारस में और बहुत सी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो आपने नहीं सोची हैं, नहीं देखी होंगी। वैसे भी हमारा चलो बाबू को छोड़ के आए हैं, जो दशाश्वमेध रिसोर्ट प्लाजा है वो यही है। तो आइए नज़दीक चलते हैं, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, अच्छे से देखिए फ्रेंड्स। आइए और नज़दीक ले चलते हैं सभी को। और यहाँ पे पूरे घाटों के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। यही है दशाश्वमेध भवन, 10 घोड़े वाला ये आकृति यहाँ पे इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये दशाश्वमेध घाट है। और अगल बगल हमारे बनारस की जो तस्वीरें हैं जो हर रोज़ यहाँ पे घटित होती हैं उनको दर्शाया गया है। इसका प्रधानमंत्री ने कल इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। देखिए यहाँ का नज़ारा, अभी भी बहुत से यहाँ पे काम बाकी हैं। एक वीडियो में कई नज़ारे देख सकते हैं आप सभी मेरे, मैंने आरती भी दिखाई, दशाश्वमेध क्रिस्टल प्लाजा भी दिखाया और गोदोलिया भी दिखाऊंगा। नीचे भी टाइल्स मार्बल का प्रयोग, पत्थर और भी बहुत कुछ लगाया गया यहाँ पे, यानी कहीं से कोई कमी बाकी न रह जाए तो इसकी भी एक तरह से ध्यान रखा गया है। देखिए बहुत ही शानदार खूबसूरत बनाया गया है ये जगह। अब हम चलेंगे गुदरिया की तरफ, मार्केट पूरा बहुत ही शानदार सजा हुआ इधर का। तो यहाँ पे अगर आप टैटू वगैरह बनवाना चाहें तो गुदलिया पे आके बहुत ही शानदार और काफ़ी कम पैसे में बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है और भीड़ लगा रहता है फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम हो सकती है। भैया
बाल्टी से सट रहा है। ये पूरा मार्केट है गोदलिया का। तो ये गोदलिया पे हम आ चुके हैं और यहाँ की आसपास की चीज़ें देख सकते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा। और इधर साधु संत बैठे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एक जीबी वीडियो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मेले जैसा हर समय सजा रहता है। यहाँ पे बृहस्पति बाबा का मंदिर, जो केवल बृहस्पति बार को ही पूजा किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगती है। और बाजू में यहाँ पे लेफ्ट साइड खिचड़ी बाबा मंदिर, जो काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का। बहुत ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे खाने पीने को फ्री में। इस मंदिर में केवल खिचड़ी ही चढ़ता है और खिचड़ी ही मिलता है। देखते हैं, यही है खिचड़ी बाबा मंदिर। बगल में विश्वनाथ गली। विश्वनाथ गली का नज़ारा सभी ने देखा ही होगा फ्रेंड्स। और इधर देख सकते हैं, ये वो जगह जहां पर प्रधानमंत्री मोदी योगी आए थे जब उद्घाटन था हमारे बनारस में, काशीनाथ कॉरिडोर का, तभी का वो नज़ारा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या शानदार नज़ारा है। यूँ लगता है कि हम लंदन पेरिस में आ गए हैं एकदम। और विदेश भी हमारे भारत बनारस के आगे फेल हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का संकल्प है काशी से क्योटो का संकल्प, और बनकर रहेगा फ्रेंड्स। हाय
गार्ड को आ जाना। ये गोदौलिया का फेमस मार्केट। यहाँ पे कपड़े से लेकर लगभग हर एक चीज मिल जाती है। ये गिर गया ले लो हमारा मार्केट में डेढ़ सौ का मिलेगा। फूलों में खड़े चला तो ये हम आ चुके हैं इस मार्केट से गोदौलिया चौक। यहीं से लगभग चार तरफ जा सकते हैं, कैंट, नई सड़क और भी कई जगह, दुर्गा कुंड, रेवड़ी तालाब, रथ यात्रा चौराहा। ये चौराहे पे हम आ चुके हैं फ्रेंड्स, और इधर है गेट नंबर 4, इधर रथ यात्रा चौराहा, और भी बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा सभी को। पीछे कैमरा का गोदौलिया चौक देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड देखने में। बाजू में ये पास में ही स्मार्ट सिटी वाराणसी गोदौलिया टू व्हीलर पार्किंग है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।